नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं बुलडोजर बुलेटिन। जी हां, चार बज चुके हैं और बुलडोजर बुलेटिन लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की दो सबसे बड़ी खबरों से। तो चलिए, कौन कौन सी वो खबरें हैं पहले आपको वो बताने जा रहे हैं। जी हां, तो पहली बड़ी खबर होगी, आपको बता दें, लखनऊ में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है बुलडोजर बुलेटिन, और बुलडोजर से जुड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहा अभियान पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी के आदेश के बाद अब पंतनगर रहीमनगर में मकानों में तोड़फोड़ नहीं होगी, यानी उन मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा। ये सीएम योगी के आदेश है। सीएम योगी के इस फैसले से करीब 2000 घर बुलडोजर की कार्रवाई से बच गए हैं, जिसके बाद हजारों चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर डिजिटल अटेंडेंस से जुड़ी है। यह शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है हमारे पास, आपको बता दें, शिक्षकों के लिए, प्राइमरी शिक्षक हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि सीएम योगी ने डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को फिलहाल 2 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया। तो दो बड़ी खबर है और दोनों ही खुशखबरी वाली हैं कि योगी सरकार ने दोनों ही खुशखबरियां दी हैं। आपको बता दें, जिस तरह हम बात कर रहे थे पंतनगर खुर्रमनगर के लोगों को, उसी तरह शिक्षकों को भी एक बड़ी राहत दी है। शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद शिक्षक संघ से मुलाकात कर सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है। इन दोनों खबरों को आपको बता दें कि हम विस्तार से अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लखनऊ के बुलडोजर की। लखनऊ के पंतनगर में अवैध अतिक्रमण पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर। फैसले से पंतनगर के करीब 800 घरों को बड़ी राहत मिली है, जबकि 2000 घर बुलडोजर कार्रवाई से बच गए हैं। सीएम योगी ने बैठक के दौरान अधिकारी को निर्देश देते हुए पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर हो, हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि सरकार की जिम्मेदारी है। खुशी मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, देखिए होली दिवाली हो रही है। ये तस्वीरें दिवाली मनाते हुए लोग पंतनगर और खुर्रम नगर में। फिलहाल सीएम योगी ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। तो इन लोगों के लिए आप पूछिए, इनके घर पर अगर बुलडोजर चलता, आशियाना छूट जाता तो क्या होता। और ये सबसे बड़ी बात है, करीब 800 घर है, कोई 10-20 घर नहीं बल्कि 800 घरों को मिली है राहत, यानी हजारों लोगों को एक बड़ी राहत। 2000 घर बुलडोजर कार्रवाई से बच गए हैं और ये खुशी का इजहार करते हुए लोग बाबा के बुलडोजर एक्शन पर कैसे लगा ब्रेक, ये हम आपको बता रहे हैं। पंतनगर में नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर, मकानों पर लाल निशान का ठीक नहीं है, निशान लगाने वालों की जवाबदेही तय हो, हर निवासी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सीएम योगी ने आज बैठक में कहा है। तो बीच का रास्ता निकाल दिया गया है। खुश हैं ये देखिए लोग, पहले प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अब मिठाइयां बट रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं गली के अंदर, आप देख सकते हैं गली मोहल्ले में, क्योंकि राहत की ये खबर इन लोगों के लिए। चेहरे पर खुशी, देखिए लड्डू बांटे जा रहे हैं। पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के बाद यहां के लोगों में खुशी की लहर है, लोग सीएम योगी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो वहीं घर टूटने से बचने के बाद कुछ लोगों की आंखों में भी खुशी के नम हो गई। कभी जिस क्षेत्र में रजिस्ट्री के पेपर और इसके साथ ही उनके जो घर मकान थे वो बाहर चिपकाकर लोग अपनी दहशत को जता रहे थे और इन बच्चियों के साथ इनके अभिभावक कहीं ना कहीं अपनी गुहार लगा रहे थे, आज वहाँ मिठाइयों का दृश्य है, लोगों के हाथ में ये मिठाइयाँ हैं, देखिए ये लड्डू हैं और इन लड्डुओं को लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो पहले बिटिया से जान लेते हैं, आप लोग भी सीएम से गुहार लगा रहे थे, क्या कहना? हम कहना चाहेंगे अपने चीफ मिनिस्टर योगी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, उनके वजह से आज हमारा घर बच गया है, बेघर होने से बच गया। हम चाहेंगे कि वो हमारे घर को, हमारी सोसाइटी को यूनिवर्सिटी दे दे, जिससे आने वाली सरकार हमारा घर ना तोड़ सके। आप लोगों से जानना चाहेंगे कितनी आबादी है इस पूरे पंतनगर क्षेत्र? अगर मैं परिवार की बात करूं तो अराउंड 2000 घर हैं जो प्रभावित थे। 5 दिन से उन परिवारों में चूल्हा नहीं जल रहा था, लोग खाना नहीं खा पा रहे थे, हमको घर भी देखना था, अपनी जॉब भी देखनी थी, और रात में आते तो नींद तक नहीं आती थी, हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे।
मैं क्या स्थिति बताऊं, बयान नहीं कर सकता। किसी के सर से अगर छत छिन जाए तो उसे कैसा लगता है। इस चीज का संज्ञान लेते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के सर से ये जो भय की स्थिति थी दूर कर दिया। हम लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। अधिकारियों को भी ये निर्देश है कि जिस तरह का वातावरण है उसको जाकर लोगों को समझाकर शांत किया जाए, और अगर कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं, भय का स्थिति पैदा हुई है, तो उसे दूर किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे आज का दिन। हाँ जी, आप बताइए। देखिए कितनी दहशत और आज कैसा। स्टेट की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के नागरिकों को रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कराने की, लेकिन तिनका तिनका जोड़ के जिन लोगों ने आवाज बनाया है और अपने तमाम सारी भविष्य की संभावनाओं पे काम किया है, अगर आदेश आ गया था तोड़ने का तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि लोग आंदोलित होंगे। आज खुशी का दिन है, योगी जी ने सही निर्णय लिया है। सलीम भाई भी गए थे वहाँ, मुलाकात करके आए हैं। मुख्यमंत्री का निर्णय सही है, ये आम जनता जो है वो पूरी तरह से बताती हुई, और हमारे साथ कुछ और भी बच्चियाँ हैं जिन्होंने ये पूरा आंदोलन और इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। नाम जानेंगे आपका। अनम खान। क्या क्या कहना है आज। मैं आपसे कहना चाहूंगी मोदी जी का बहुत, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं योगी जी से मिलकर उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। कृपया आप हमें बुलाइए प्लीज। हमें एक और चीज जानना चाहेंगे, अपने घर को बचाने की अपील कर रही थी आप लोग सीएम अंकल से, अब तो घर बचने की बात सामने है, क्या कहना है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बता नहीं सकती। मेरे माँ बाप इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारा घर बच गया, बहुत खुशी की बात। हमारा घर बच गया। धन्यवाद देता हुआ, जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ। आप देखिए आज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और कभी यहाँ दहशत थी कि इनके घर टूट जाएंगे, कभी यहाँ आक्रोश था कि इनके घर को निशान लगाकर तोड़ा जा रहा है। इन्होंने अपने घर के आगे खुद की जो रजिस्ट्री का पेपर है उसका फोटोस्टेट चिपका दिया था, और अब ये उत्साह प्रकट कर रहे हैं। कैमरामैन रामबाला के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।